चुटकी लेना चाहते हो ना, चुटकी आपको मिलेंगे मात्र दो दो रुपए की रेंज के अंदर ही। ये देखिए इस तरह की वैरायटीज आप लोग को मिलने वाली है। मंगलसूत्र लेना चाहते हो ना दोस्तों, ये देखिए मात्र तीन तीन रुपए की रेंज के अंदर मंगलसूत्र आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरह के गले के सेट आपको मिलेंगे दोस्तों, ये देखिए। और मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखिए इस तरह के फैंसी फैंसी ज्वेलरीज आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले है। इस तरह के गले के सेट आप लोग को मिलने वाले हैं 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए। एक दो पीस भी मिलता है क्या अपने पास, ये बताओ? नहीं सर, एक दो पीस के लिए बिल्कुल नहीं मिला। इतना देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, कस्टमर को समझा रहा हूँ, हर बात समझा। देखो अगर बिजनेस करना है, अगर सच में आप ज्वेलरी काम करना चाहते हैं, तो 5,000-10,000 में वैरायटी नहीं आती, 10,000 भी 5,000 भी बेकार। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आप लोग को यहाँ पे इस तरह के पायल बिछे की वैरायटीज कवर करने वाला हूँ। तो कैसे हो भैया? बढ़िया भैया। तो आज स्टार्टिंग करिए, सबसे पहले क्या दिखा रहे? देखो पायल स्टार्टिंग है 3600 रेंज का भैया, 3 रुपए का आइटम बोल दी, 3 रुपए का 3600 पड़ेगा। ये देखो 60 रुपए रेंज का भैया, 5 रुपए का पायल पड़ता है। देखो क्या लोहा होता है ना ये भैया, लोहा होता है। आप 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए आएगा, घोटा चाहती तो कम से कम 20-25 से आएगा, 5 रुपए पड़ता है आराम से। जैसे ये देखो ये गोटा चाहती है 240 रुपए रेंज का, देखो ये 20 रुपए का पड़ेगा, ओनली 20 रुपए आराम से। 20 का है, 5 का है, 10 का है, 15 का मिल जाएगा, ऐसे बिछुआ मिल जाएगा। देखो 3600 रेंज का ओनली 3 रुपए का पीस पड़ेगा, 3 रुपए का। उससे बढ़िया देखो बढ़िया मिल जाएगा, 2.5 रुपए का पीस पड़ेगा, रिटेल में 10 रुपए जोड़ी, 5 रुपए जोड़ी व्यक्ति, 2.5 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसी आइटम हमारे पास मिलेंगी आपको यहाँ पे, वैरायटी बहुत मिल जाएगी। इसके अलावा देखो चूड़ी मेटल में आपको स्टोन दिखाया था, हमने चूड़ी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे पास कोई डिमांड कर रहे थे कि भैया आप ज्वेलरी काम करो थोड़ा चूड़ी भी दिखाओ। हाँ। मेटल के आइटम और एक आपने गारंटी का आइटम, तो ये मैंने ब्रास का आइटम लाया, ये आइटम है देखो, ये 540 रुपए रेंज का, ये 45 रुपए का पीस पड़ेगा कम से कम। यहाँ से लेके ये कलर डिजाइन मिलेंगे आपको यहाँ पे, देखिए मिलेगा होलसेल है। उसके बाद ऐसे गले का शर्ट मिल जाएगा, ये देखो 120 रुपए रेंज का है, ये 10 रुपए का पीस पड़ेगा, 10 रुपए का पड़ेगा, 120 रुपए रेंज का पड़ेगा। उसके बाद ऐसे कानों का टॉप देखो आपको दे दूंगा, 5-5 रुपए में, देखो 5-5 रुपए का पूरा प्रेस का माल हुआ है, देखो ओनली 5 रुपए की जोड़ी पड़ेगी, 60 रुपए रेंज का, सिर्फ 60 रुपए डब्बा पड़ेगा, 12 पीस का 5 रुपए में, 5 रुपए में। ऐसे गले का देखो 2-2 रुपए में पड़ जाएगा, 2400 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, देखो 2400 रेंज का आइटम है। ऐसी क्वालिटी हमारे पास बहुत मिलेगी, ऐसे क्लिप में फैंसी हाँ? चाहिए तो ऐसा मिल जाएगा, देखिए बहुत वैरायटी क्लिप की मिलेगी हमारे पास स्टार्टिंग। वैसे क्लिप हमारे पास 1 रुपए से स्टार्टिंग है, 12 रुपए डजन से है, रेंज बहुत मिल जाएगा हमारे यहाँ सारी रेंज। ऐसे भी फैंसी देखो ब्लैक मेटल में टॉप्स आपको मिल जाएगा, ऐसी फैंसी आइटम में मिल जाएगी हमारे यहाँ। ऐसे देखिए फर्क साइड में चाहिए, देखिए 180 रुपए डजन का, 15 रुपए का आइटम है, 35-40 रुपए की जोड़ी आराम से ये बिकती है। देखो ब्लैक मेटल आपको 3.5 मिल जाएगा, देखो 3 रुपए पड़ेगा, 432 का बॉक्स है, 432 का पूरा बॉक्स है, रिटेल में 35 रुपए, 20 रुपए जोड़ी बिकती है। ऐसे गले का हार मिल जाएगा देखो, 420 रुपए डन का, ये 35 रुपए का पड़ेगा, देखो 35 रुपए में डिजाइन भी काफी मिल जाएगा, डिजाइन काफी सारे मिलेंगे, लेकिन टोटली होलसेल मिलेगा दोस्तों। एक मिल जाएगा देखो, ये 5 रुपए का, एक इसमें सस्ता मेरे पास 2 रुपए भी आता है, मतलब दूसरी शॉप पे है। सारी वैरायटीज ऐसे साड़ी पिन चाहिए देखो, अच्छी वैरायटी आपको साड़ी पिन में अपने पास हमारे पास यहाँ मिलेगा। देखो ये तो मैंने वीडियो बनाया, अभी तो मैंने सारी फैंसी थोड़ा कोई कस्टमर पायल चुटकी का ऐसा एक मिक्स वैरायटी बनाओ, तो एक मिक्स वैरायटी बनाने का मेरा मकसद तो यही है। हमारे पास इसके अलावा नेल पेंट मिल जाएगा 12 रुपए डजन से, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए का, बैग आप जितना मर्जी ले लीजिए, लिपस्टिक भी यही रेट है। उसके बाद लेनर है, मस्कारा है, फेस पाउडर है, कानों के टॉप से 1 रुपए जोड़ी स्टार्टिंग है, मैंने आपसे 5 से दिखाई से 1 रुपए से है, बिंदी पड़ जाएगा एक, मतलब 1 रुपए कार्ड और 2.5 रुपए कार्ड, 2 रुपए कार्ड मिल जाएगा। गले का सेट है, मंगलसूत्र है, पायल है, बिछुआ है, ब्रा है, समीज है, ये सारी आइटम में आपको मिलेंगे। सारा काम पक्के को होता है हमारा, कोई कच्चे काम नहीं है, सारा होलसेल मिलेगा। मेहरबानी होगा 1,000-2,000 के लिए कॉल मत करो। मेरा नाम बाबूलाल जायसवाल, मेरे 7 से 8 से दुकानें मिलेंगी, अलग अलग क्वालिटियां मिलेगी, एक में चूड़ी की वैरायटी है, एक में गिफ्ट टाइप का आइटम है, एक में कपड़ा भी लगने वाले, भगवान के दोस्त आप लोग अगर आशीर्वाद रहा तो भी काम बहुत जल्द होने वाला है, उसमें थोड़ा कपड़ा के काम करने चाहते हैं। कस्टमर डिमांड करेंगे भैया यहाँ से सदर बाजार से गांधीनगर कपड़ा लेने जाना पड़ता है, उनको रेंज नहीं मिलती। अब 10-5 हजार वाला बेचारा सोचता है 10-15 का, 20 का, 50 का लेना, तो यही से लेके मिल जाओ यार, किराया भाड़ा खर्चा करो और फिर वहां जाके पूरा बंडल बंडल देते हैं। वो रेट में अगर उसको 5-5, 10-10, 6-6, 12-12 पीस, 2-2 दर्जन अगर यहाँ मिल जाए तो गांधीनगर कौन जाएगा। तो इसके चक्कर में वो भी दुकान कपड़ा खोलने का मकसद पूरी बन चुकी है, भगवान ना चाहे तो 15 तारीख के आसपास उद्घाटन हो जाएगा, उस 15 का मानेंगे 16 तारीख को वीडियो भी डल जाएगा हमारे फर्म पर, सारे कपड़े वैरायटी मिलेगी, सारे कपड़ा। और यहाँ पे दोस्तों जो ये दिखाया है ना हमने, ये सिर्फ जो दिखाया ना ये दोस्तों बस सैंपल है, ये इनका ऑफिस है, ये है ना दोस्तों 8 दुकानों के मालिक बाबूलाल जायसवाल जी।
बिल्कुल ठीक है हाँ। तो ये काबले इसलिए ऑफिस में थोड़ा बैठ के बना के दिया तो थोड़ा कस्टमर को ऐसा लगे हाँ। बाकी तुम्हारे वीडियो आप डेली देखते हो, डेली आपको वैरायटी नई 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 डेली 22 तारीख से मैं समझो डेली हाँ। नई वीडियो एक दो वीडियो मेरी डेली लॉन्च होती रहती है जी जी। तो आप लोग का ध्यान बढ़ता, हमारा काम हो रहा, सब कुछ बढ़िया, आप लोग आशीर्वाद से हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा काम नहीं है, आप लोग को दुआ हमारा आपका हमारा काम होगा आपका भाई मेहरबानी। अब भी वही की बात बोलता है, बार बार चिल्ला चिल्ला के जवान थक जाती है हमारी इस सदर बाजार में। जब भी समझाइए लोगों को आराम से, सदर बाजार में आप जब भी आइए माल मुझसे मत खरीदे कि मेरा YouTube देखा है आपने हाँ? मुझसे ही माल लेना है जी जी। ऐसे कोई जरूरी नहीं है हाँ? सदर बाजार में लाखों दुकानें हैं हाँ? आप कहीं भी जाके माल खरीद सकते हो बिल्कुल। लेकिन मत भी मेरे शॉप पे किसी कार्ड वाले के साथ मत आए। अच्छा अच्छा क्यों नहीं आया ऐसा? देखो कार्ड उसके लिए नहीं आता सर। देखो मेरी दुकान तो 4-5% कमीशन देना पड़ता है, मजबूरी। अब लगा लो मैंने मंगलसूत्र तुम्हें बताया 5 रुपए, उनके साथ आ गए तो मुझे 6 रुपए लगाना पड़े, मजबूरी हमारा उनके साथ। तो आप जब मेरा वीडियो इतना दूर से आप 1000 किलोमीटर से या 700 किलोमीटर 2000, 2500, 3000 किलोमीटर से व्यापारी आ सकता है दिल्ली शहर में तो क्या 1-15 पैसे का कॉल नहीं कर सकता है? फ्री है तो मेरा को भी फ्री है हाँ। आप मुझे कॉल करो, आपका भाई खुल लड़का हमारा आपको जहाँ दिल सदर बाजार में पान मंडी में कुछ मैं तुम्हारे सदर में पान मंडी है, नियर बाई खुर्शीद मार्केट है हाँ। टांगा स्टैंड है हाँ। बारह डोडी चौक है, कुतुब रोड चौक है, मटके वाली गली है हाँ। अपना सदर स्टेशन है हाँ। पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, कहीं भी अभी लगभग आप कॉल कर दो, आपको लोकेशन नहीं भी आ सकते हो अगर आपको हाँ। रास्ता नहीं मालूम है आप बोलो भैया लड़का भेज दो तो आपका भाई स्वागत में लड़का आपको भेजेगा लेने हाँ। के लिए। तो लेने के लिए इसलिए भैया कि आपको 2 पैसा बचे। अब बंदा आता मार्केट में लालिस के चक्कर में चला जाता, फिर फोन हमारा स्विच ऑफ होता, बाद में कहता भैया गलत हो गया, गलत मकसद हुआ, वीडियो आपने मेरी देख के आए, आप वीडियो हमारी देख के आए, आप मेरी वीडियो आप देख के आए थोड़ी देर के लिए हाँ। आप किसी के साथ चले गए, माल आप वहाँ पे ले लिए, अब वहाँ लेने के बाद क्या कर, आपने मेरा वीडियो खोला और सीधे मेरे वीडियो कमेंट लिख दिया हाँ। कि मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बात बता, जब आप मेरे शॉप से माल नहीं लिए अगर आप वीडियो कमेंट करते हो तो आप सीधे मुझे कॉल करो, दुकानदार को कॉल करो हाँ। आप कमेंट लिखने से क्या फायदा है, आप कॉल करके बात करो, अगर तुम्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत हो सामने कॉल करके बात करो बिल्कुल, आप कॉल नहीं कर लेकिन उसके बाद हल भी होता है, उसके बाद आप लोग गलत काम करते हैं हाँ। गलत बात है जी। आपके साथ गलत हो तो आप लिखने की कोशिश हकदार बनते हो हाँ। जब सीधा अगर दुकानदार आप सब नहीं मानता नहीं सुनवाई करता तो जब तो आप सब कुछ करते दूसरे दुकान से तो वो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बार कमेंट मतलब होता क्या ये भी बताता हूँ, बार बार वीडियो चल रहा है आजकल कस्टमर क्या करता, माल लेता है 20,000 के ले लिया या 10,000 के ले लिया हाँ? जीएसटी बिल नहीं देता है। अच्छा अच्छा जीएसटी बिल नहीं, जीएसटी बिल मैं अगर मैं माल खरीद के लाता हूँ तो जीएसटी बिल पूरा दे के आता, मेरा सारा पक्के बिल से पैसा हमारे अकाउंट में तो पक्के बिल से माल लेता हूँ, लेकिन मुझे तो डबल माल पड़ जाती है। कस्टमर आज का 10,000 का माल लिया, बोला भैया कि अगर उसमें जीएसटी लोगे तो माल नहीं लूंगा भाई, तब तू माल नहीं लेगा तो मैं जीएसटी कहाँ दे पाऊंगा तेरे को बिल्कुल। या तो भाई पूरा जीएसटी अगर 20,000 का माल लेते हो हाँ? एक जगह 600 रुपए अगर गवर्नमेंट को टैक्स आप दे रहे हो तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, आप भी खुश गवर्नमेंट खुश हम भी खुश हाँ? आपको माल अब 10,000 का आपने 20,000 के चक्कर में 10,000 का आपने माल ले लिया हाँ? 10 की जीएसटी के बाद फोन कर दो भैया मुझे 10,000 का माल आया है हाँ? तो 10,000 का माल तो कैसे कर, आप जीएसटी बिल से क्यों जो जो एक कच्चा बिल है उससे माल मिलाइए ना। अच्छा अच्छा, फिर नीचे कमेंट लिखते हो कि मैं तो 20 का माल लिया था भैया 10 का भेजा, और पक्का बिल का आप जो करते हो कच्चे बिल से क्यों नहीं करते, आप कच्चे बिल से बात करो, आप पूरा टैक्स दो मैं देने का हकदार हूँ, अगर जितने लाख का 50 का 20 जितने बिल बने आप मुझे टैक्स दो मैं देता हूँ, कॉस्मेटिक में 18% है, फाइबर में 12% है, सब थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट में तो भर ही रहा हूँ, मैं तो हर महीना भर भर के परेशान हूँ, मुझे तो देना ही पड़ेगा, आप नहीं लो तो मेरे बिल तो काटना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, नहीं काटो तो भी मुझे गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार अपना ना एड्रेस भी समझाइए भैया मेहरबानी। ये देखो ये नहीं कोई झूठ बोलने वाला, ये देखिए ये मेरा फोन नंबर, जो अगर सच्चा दुकानदार होगा हाँ? अगर यूट्यूब भी बनवाता है जी जी। अगर मेरा यूट्यूब पे मेरा नंबर चल रहा है तो ये फर्म का नंबर होना चाहिए हाँ? आज का फॉरवर्ड भी वीडियो बन रही है हाँ? उसपे क्या करते हैं अपना बनवा लियो कहीं उल्टा सीधा माल दिखा दिए हाँ? हमारे यहाँ दिला दिया तो उसमें कस्टमर फंस जाता हाँ? आजकल कस्टमर पहले भी भैया हमने 2,000 रुपया डाल दिया बंदा फोन नहीं उठा रहा, 5,000 डाल दिया फोन नहीं, अरे भाई क्यों डालेगा, आप सीधे करंट अकाउंट में पेमेंट डालो, अगर मेरे अंजलि जनरल स्टोर फर्म है ये मेरा फर्म है तो मेरा अगर यूट्यूब पे नंबर चल रहा है, मैं 2 चल रहे हैं हाँ। तो एक नंबर तो मेरा जीएसटी नंबर पे होना चाहिए, ये देखिए मेरा पूरा जीएसटी नंबर पे नंबर है, अगर मैं जीएसटी नंबर पूरा फॉलो, यही मेरा अंजलि जन्ने जोड़ का मतलब मेरा अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो मेहरबानी करो जब भी कस्टमर माल लेता जैसा लेता उसको बिल काट के देता, बिल लेने आ रहा है तो मेहरबानी करो जब भी आओ आप अकाउंट में पैसे डालो, अगर आपको डर लगता है कुछ लगता है तो अकाउंट में पैसे डालो, अकाउंट में डालो, अगर आपको ऑनलाइन माल लेना दिल है
तो 15 से 20 देखो आज कहने वाले कहते भैया 5000 का माल बेच दूंगा, 2000 का माल बेच दो भैया, कोई नहीं बोलता आपसे 2000 अकाउंट मंगा लेंगे, नए नए लोग फोन मिलाते रहोगे, फोन इंटरव्यू जब क्या करोगे, ऐसे कई बाजी हुआ है हमको भैया। मैंने भैया देखो किस, मैं तो अपने ठेकेदार हूँ, दूसरे की मेरी गारंटी नहीं है क्या होता है। हाँ मैंने उनसे एक ही बात सोचा सीधे भैया अकाउंट नंबर में आप सीधे पक्के फर्म में पैसा डालो, कोई भी एक रुपया आपका खाएगा नहीं, यही बार बार मैं समझाता हूँ। आपको जग मार पे माल भी भेजना पड़ेगा, नहीं भेजे तो पक्का उसको भेजना ही पड़ेगा, पक्के में से भेजना पड़ेगा। तो मेहरबानी करो जब भी दिल्ली आओ बच के जाओ, बढ़िया से माल लेके जाओ, जिसके मेरे यहाँ ना और किसी के यहाँ भी जाओ, ऐसे जाओ किसी के चक्कर में मत पड़ो। अगर मेरा वीडियो दे तो आप मेरे दुकान पे आओ, अगर मेरा रेट अच्छा लगे तो लो, नहीं तो जय सिया राम जय नमस्कार। कोई जबरदस्ती नहीं कि मैंने अगर दो का बताया तो दो में तो लो, ये नहीं बहुत से कस्टमर कहते भैया बताया पांच का नहीं, मतलब भैया दुकान में तब तो दूंगा, और रोड पे किसी साथ आज मेरी गलती थोड़ी है।